हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। तो किसी बात को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर उसकी अच्छाई क्या है और उसकी बुराई क्या है। हम आपको बता दें कि अभी काफ़ी लोगों की दिलचस्पी जो है प्लॉट और सर्विसेज खरीदने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसी कड़ी में हम आपने पिछले वीडियो में हमने एस प्रॉपर्टीज़ को लेकर बात की थी। तो अभी हम बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी है एस प्रॉपर्टीज़ के रिसेप्शन एरिया में, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम लोग प्लॉट खरीदने को लेकर काफ़ी इच्छुक दिख रहे हैं, और शायद यही कारण है कि हम मौजूद हैं। तो पहले तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर एस प्रॉपर्टीज़ को लेकर उनका क्या कहना है और क्या कुछ अपनी बातें करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार ठाकुर। सुनील, सुनील जी मुझे ये बताइए कि पहले तो ये बताइए कि ढोलेरा प्रोजेक्ट के बारे में आपने कैसे जाना, और एस प्रॉपर्टीज़ के रिसेप्शन एरिया में मौजूद है तो इसके बारे में भी जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक्चुअल में अजय भैया हम लोग एक फैमिली मेंबर भी हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हम उनको बड़ा भाई भैया भी बोलते हैं, और ढोलेरा जो प्रोजेक्ट है सर अजय भैया के माध्यम से ही मुझे पता चला, जो इस एस प्रॉपर्टीज़ के ऑनर हैं, और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को भैया ने वहाँ से जोड़ा है। सबसे बड़ी बात अगर बताएं ढोलेरा के प्रोजेक्ट के बारे में, तो आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश से काम की तलाश में बाहर तो जाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ से बसने के उद्देश्य से दुबई, सिंगापुर, मलेशिया जा रहे हैं। तो ये आने वाला जो प्रोजेक्ट है ना, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक शब्दों में बोला जाए ढोलेरा के बारे में, तो इंडिया में दुबई बस रहा है, इंडिया में दुबई, शंघाई, सिंगापुर बस रहा है। और ये जो सपना है गवर्नमेंट का, मोदी जी का या गुजरात गवर्नमेंट का, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में एक यूनिक होगा। ग्रीनफील्ड टोटल प्रोजेक्ट है, और ग्रीनफील्ड सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड की बात ये होती है कि जहाँ इससे पहले वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हुए थे, यानी टोटल नया डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि आज गुजरात इंडिया का सबसे डेवलप्ड राज्य भी है। दूसरा चीज़ है कि वहाँ सबसे बड़ा उस प्रोजेक्ट में उसकी खूबी यह है कि वहाँ छोटे निवेशक से लेकर बड़े बड़े कैपिटलिस्ट भी वहाँ पूंजी लगा सकते हैं। एक आम आदमी का सपना पूरा हो सकता है, अपना घर का, अपना बिजनेस का, अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, अपना इंडस्ट्रीज़ का, यानी छोटे से निवेशक भी उस सेक्टर में पैसा लगा सकता है, आज जो वहाँ से शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ पूरी दुनिया से कॉरपोरेट सेक्टर के लोग तो आके पैसा लगा ही लगा रहे हैं, भारत से भी टाटा, महिंद्रा, रिलायंस ऐसी कंपनियां, अदानी, ये सभी वहाँ प्रोजेक्ट लगा चुके हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आने वाला जो टाइम है ना, हमारे जनरेशन के लिए और हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना क्रिएट होगा, एक बहुत बड़ा वहाँ से हम लोग अवसर का लाभ लेंगे। और आज अभी वो इनिशियल स्टेज में है, चूँकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज हम चाहें कि पटना में, एक आम आदमी चाहे कि पटना में हम एक ज़मीन खरीद के घर बना लें, तो शायद उसके जीवन में संभव नहीं है। एक आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है कि वो पटना, छपरा शहर में, बिहार के किसी भी शहर में ज़मीन खरीद के और घर बना ले। या तो उसके पास पुश्तैनी कुछ ज़मीन होगी वहाँ बना सकता है, या वो रिटायरमेंट किया तो पूरी रिटायरमेंट की रकम ख़त्म हो जाएगी, तब वो घर बना के रह सकता है। लेकिन एक आम आदमी जो 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, वो अपने लाइफ में घर रेंट के सिवाय वो कभी अपने घर में नहीं रह सकता, जो वहाँ साकार हो सकता है, चूँकि वहाँ अभी स्टार्टिंग फेज़ में है और बहुत ही कम रेट में, अपेक्षाकृत हम लोग समझें तो बिहार के अपेक्षा 10-20 गुना कम रेट में वहाँ ज़मीन उपलब्ध है। और आने वाले टाइम में हमारे लिए हम अपना वहाँ घर बना सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते हैं, और वो पूरी दुनिया से जिसकी कनेक्टिविटी होने वाली है, पूरी दुनिया का एक हब बनने वाला है ढोलेरा। तो अब ये जो था कि सबका सपना घर हो अपना, अब क्या लगता है ये साकार होने वाला? बिल्कुल साकार होने वाला है। और सबसे बड़ी जो हम बार बार इसको रिपीट करना चाहेंगे कि कम रेट में, ये सबसे बड़ी बात है, चूँकि हम लोगों के पास, हम लोग एक मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हर चीज़ को मतलब हिसाब से काम करना पड़ता है। हर चीज़ के हम कपड़ा देखने जाते हैं ना, तो कपड़ा पहले बाद में और दाम पहले देखते हैं। सेम चीज़ आज अगर हमें ज़मीन भी लेना है, प्लॉट भी लेना है, तो पटना में अगर कोई बोलता है कि प्लॉट है, तो हम सीधे पूछते हैं भाई लागत खर्च क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, चूँकि अगर इन्वेस्टमेंट उसको हम एफर्ड करेंगे तभी हम देखने जाएंगे। तो वहाँ एक आम आदमी भी, छोटा छोटा व्यक्ति भी, छोटे निवेशक भी जाके अपना घर बना सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। चलिए, हमने तो सुनील जी से बात कर ली, लेकिन और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसके बारे में उनकी क्या राय है। सर, पहले तो आपका नाम क्या हुआ? असगर अली। असगर जी, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त एस प्रॉपर्टीज़ के रिसेप्शन एरिया में मौजूद हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके जरिए इसके बारे में हमको पता चला, और कुछ दोस्तों ने परचेज भी किया है, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं ना, और इसके बारे में हमने पता भी किया है, तो इसका अच्छा फीडबैक जा रहा है, और
लोग इसको परचेज किया है बहुत सस्ते में, बहुत अच्छा जगह। एक कस्टमर के रूप में हम ये जानना चाहेंगे कि आप भी एक कस्टमर हैं, तो क्या चीज़ आपको इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको आकर्षक किया कि आपको खींच के घर से यहाँ ले आया? नहीं, उसका लोकेशन जो है वो पूरे दुनिया को कनेक्ट कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अमाउंट मायने रखता है, तो प्राइज अच्छे प्राइज में अच्छा चीज़ मिल रहा है। तो हमारे अब बाकी दर्शकों को आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ खास कि जो भी दर्शक देख रहे हैं अब वो घर से उठ के सीधा यहाँ पहुँच जाए? नहीं, उनसे हम ये बोलना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ को लेने से पहले उसके बारे में जानें, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उस स्पॉट पे जाएं, उस लोकेशन को देखें, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि कितना सस्ता और कितना बेहतर है। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि यहाँ जो भी लोग मौजूद थे इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अब जो लोगों का सपना था, जो लोगों का सपना है कि एक अपना घर हो, अब वो जल्द ही लगता है लोगों का साकार होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के प्लॉट अभी जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और लोगों का ये जो सपना था अपना घर का अब वो देखना छोड़ चुके थे, लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ के आने के बाद अब लगता है ये सपना जल्द ही साकार होने वाला है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल TD न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।